दोस्तों 9 मार्च को भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल में टेस्टिंग के दौरान हुए टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के मियां चानू शहर में जा गिरी, जिसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि इसके जमीन से टकराने से आसपास की घरों की दीवारें और उनमें लगे शीशे तो टूटे ही, साथ में मिसाइल इम्पैक्ट के एरिया में चल रही कारों के डिक्की तक खुल गए। पर शुक्र है किसी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। वाला आप सभी जानते ही है, भारत और रशिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी मिनिमम स्पीड 2.8 मैक और मैक्सिमम स्पीड 8 मैक यानी ये से 8 गुना तेज रफ्तार से भी भाग सकती है, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। फिलहाल आप इसकी रफ्तार से इसके खतरे का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल जिस वक्त गलती से पाकिस्तान में इंटर कर गया, उस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी डिफेंस में लगे रडार तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से इसकी जानकारी जनता को अगले दिन दी गई। बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान की डिफेंस खुद ही कंफ्यूज थी कि आखिर हुआ क्या, पर जल्द ही भारत ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग के दौरान मिस फायर हो गई, जिस वजह से ये पाकिस्तान में जा गिरी। तो इस पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मैच्योरली अपनी जनता को हैंडल तो कर लिया, पर इसका कोई भरोसा नहीं कि पाकिस्तान कल इस मुद्दे को फिर उठाकर कोई बवाल खड़ा करने की कोशिश ना करे। वेल, बिना वॉरहेड के ब्रह्मोस मिसाइल ने इतना डैमेज किया, तो जरा सोचिए कि अगर इसमें वॉरहेड लगा होता तो ये कितना डेंजरस हो सकता था। वेल, वीडियो कैसी लगी ये बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करे सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले।